सच साहस सरोकार। राहुल गांधी की सदस्यता पर संग्राम, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित, लोकसभा में काले लिबास में दिखे कांग्रेसी। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती का मामला, अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का किया घेराव, मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्र पंचायत की बैठक में दो पक्षों में हुई कहासुनी, लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी में एक ही स्कूल के 49 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, ब्रजेश पाठक ने फोन कर जाना बच्चों का हाल। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो शातिर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सदन के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है। 9 दिन से ज्यादातर कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है, जहां आज फिर सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल सकी। कार्रवाई शुरू होते ही जैसे ही आसार थे राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर, हंगामा हो गया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी की। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि काले कपड़ों में राहुल गांधी की सजाने पर विरोध जताया। कांग्रेस का सदन में सड़क तक लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती की चयन सूची में शामिल 6800 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। बता दें कि अभ्यर्थियों ने पहले भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। इसी बात से गुस्साए अभ्यर्थियों ने फिर से धरना प्रदर्शन किया और 6800 भर्ती प्रक्रिया पूरा करने की मांग की है। और एक हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया है, एक बार फिर से ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए मेमोरी, 69 शिक्षक भर्ती जिस प्रकार से 6800 वीसी भर्ती घोटाले का मामला सामने आया था, तो आज इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया था। सुबह से लेकर वो दोपहर तक उनके आवास के बाहर जो है वो धरने पर बैठे थे, अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। उनका कहना था कि उनकी मांगे जायज है और लगभग 2 साल का समय होने वाला है, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। हर तरह से चयनित होने के बावजूद वो 2 साल से बेरोजगार है और लगातार उनकी मानसिक उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। खैर, जो ये 6800 अभ्यर्थी थे, इनका एक डेलीगेशन, 5 लोग का डेलीगेशन मंत्री से मिलने गया और जब वार्ता करके वापस लौटा तो बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह है, उन्होंने 20 दिनों का समय मांगा और 20 दिनों में उन्होंने कहा कि 20 दिनों में न्याय प्रक्रिया के तहत जो इनकी प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है। वहां डेलीगेशन में शामिल जो अभ्यर्थी अमरिंद से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से 20 दिनों का समय मंत्री ने मांगा है, संदीप सिंह ने मांगा है, अगर 20 दिनों में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो और भी संख्या बल में आके इनके आवास का घेराव करेंगे और लगातार अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। और तमाम लोगों ने वहां पे कई प्ले कार्ड भी रखे थे, कई लोग हम शुद्ध रह के नारे लगा रहे थे और 6800 जो चयनित शिक्षक हैं वो उपेक्षा का शिकार हैं, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो एससी वर्ग से आते हैं और सरकार लगातार जो है उनकी उपेक्षा कर रही है, उनको नियुक्ति न देकर। तो अपडेट यही है कि वार्ता जो है हो चुकी है, जो जो 6800 अभ्यर्थी हैं उनकी, जो उनका डेलीगेशन पहुंचा था संदीप सिंह के आवास पे, उनसे वार्ता हो गई है। संदीप सिंह ने बाकायदा 20 दिनों की मोहलत मांगी है और 20 दिनों के अंदर जो है न्याय प्रक्रिया के तहत इनकी पूरी जो प्रक्रिया है पूरी करने की बात कही है।
इसके बाद जो सभी अभ्यर्थी हैं वो ताजा जानकारी मिलने तक सभी जो है इको गार्डन की तरफ रवाना भी हो चुके हैं। जी विवेक, तो देखने वाली बात होगी कि 20 दिन बाद आखिर क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देवरिया विकासखंड भटनी पर क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के सभी बीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। बैठक में प्रधान, बीटीसी, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के बीच कार्य योजना को लेकर कहा सुनी हुई। इस दौरान भाजपा नेता अजीत सिंह भी विवाद करते हुए कैमरे में कैद हो गए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, मामूली बात को लेकर कहा सुनी और धक्के मुक्की हुई थी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने सभी को समझा बुझा कर मामला शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल दोनों पक्ष के लोग थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। मामला उठाइए था कि अजीत सिंह वहाँ सदन में कर रहे थे कि सारे प्रधान चोर हैं, इस पर हमने आपत्ति किया। तो वो थोड़ा सा गाली जैसे शब्द वो यूज किए, तो हम खड़े हो गए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कौन चोर है आप बताइए। ये मामला हुआ, उसके बाद सदन चला पूरा अपने सही समय तक, सही ढंग से। बाहर निकले तो बाहर अपने भाइयों को और गुंडों को बुला करके हम लोगों को घेर लिए और मारने पीटने लगे। तो ये जो घटना घटी है बाहर में, ये प्रशासन के सामने घटी है। लखीमपुर खीरी में मितौली कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 39 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फोन कर बच्चों का हालचाल लिया है। बता दें कि परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विद्यालय में कोरोना पॉजिटिव बच्चों को जरूरी दवाई और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई है। वहीं डॉक्टरों की टीम बच्चों की निगरानी कर रही है। अंबेडकर नगर जिले में पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने शराब के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही 308 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और एक अदद टैंकर भी बरामद किया है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि शराबबंदी के कारण शराब तस्करों के निशाने पर बिहार है। वीरेंद्र जैन ने मेजर रोल प्ले किया है। इस शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए आंकी गई है। ये एक रैकेट है जो बिहार में शराबबंदी का फ़ायदा उठाने के लिए चंडीगढ़ से इस तरीके की शराब का स्मगलिंग करता है और आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ गोरखपुर मार्ग का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।